नमस्कार, मैं मिस्टर डायबिटीज। आप लोग मुझे काफ़ी देख चुके हैं, काफ़ी जानते भी हैं मेरे बारे में। खैर, मसला यहाँ पर यह नहीं है कि आप मुझे जानते हैं, मसला यहाँ पर यह है कि आप मुझे जानने के बाद भी मेरे ऊपर नए इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। इससे पहले हमारी जो आपकी मुलाकात इस चैनल पे हुई, वो आप समझिए कि काफ़ी क्लियर थी। मेरे बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता चल चुका है, लेकिन ये पिछले कुछ दिन से आप लोगों में जो एक तरह की उत्सुकता जग रही थी कि ये फैटी लीवर से मेरा क्या कनेक्शन है, कि फैटी लीवर है तो मैं हूँ या मैं हूँ तो फैटी लीवर, मुझे लगा कि भाई मुझे आपके सामने आने की बहुत ज़रूरत है और कई सारे डाउट्स के जवाब जो है किसी से लेकर अब तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बिला वजह मैं अकेला इल्ज़ाम झेलता रहूँ। तो मैं काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट के पास पहुंचा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो कहते होंगे कि मैं डरपोक हूँ। अब मैं क्यों डरपोक, मैं कोई गलत चीज़ हूँ? मैं यहां पर आया हूं डॉक्टर अमरीश मित्तल से मिलने। उनसे पूछूंगा आपके सवाल, उन सवालों के जवाब मेरे थ्रू आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अब भाई, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स भाई, 1-to-1 बात करने आ गया हूँ, जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब काफ़ी ऊंचे अहदे के हैं। लेकिन अब देखिए सर, क्या है कि ये ब्लेम गेम चलता रहता है मेरे ऊपर। मतलब लोग कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी अजाब कर रखी है, तुमने जीना मुश्किल कर रखा है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसमें अकेले मेरा क्या दोष, और मैं तो कहता हूँ कि मेरा क्या दोष, मैं तो वही खाना बदोश किस्म का आदमी आदमी इसलिए कहता हूँ क्योंकि आदमियों के साथ रहता हूँ। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, आप मेरे थ्रू देखने वालों को बताएं कि ये मेरा रिश्ता फैटी लीवर से क्या है, और क्या मैं हूँ तो फैटी लीवर है या फैटी लीवर है तो मैं हूँ, क्या कनेक्शन है? तो फैटी लीवर के पहले रिश्ता डॉक्टर से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता डॉक्टर से कभी डर का नहीं हो सकता। डॉक्टर से तो हमेशा अपनी अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जो जानना होता है वो जाना जाता है। हो सकता है कुछ अच्छा लगे, कुछ ना लगे, हो सकता है कुछ माने चाहे ना माने, लेकिन सच जानना ये ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर से तो रिश्ता दोस्ती का ही होना चाहिए। ये तो इंसानों के लिए है, मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी सर मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो फैटी लिवर का मतलब क्या है? लिवर आप जानते हैं, जिगर बोलते हैं पुराने हिंदी गानों में, जिगर तो जिगर माने लिवर आपका पावर हाउस होता है शरीर का। उसके अंदर अगर फैट जमा हो जाए, जैसे चर्बी जमा होती है, यहाँ पर जमा होती है, हाथ पैरों में जमा होती, कहीं भी जमा होती है चर्बी, अगर लिवर के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो उसे फैटी लिवर बोलते हैं। थोड़ी बहुत चर्बी तो लिवर में रहती ही है, फैट रहता ही है, लेकिन अगर वो एक लेवल के ऊपर चला जाए तो उसको एक फैटी लिवर, एबनॉर्मल फैटी लिवर बोलते हैं। तो हमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? लिवर में हो जाने दीजिए फैट, इट मेक्स नो डिफरेंस, है ना? वाई शुड बी वरी अबाउट फैटी लिवर? क्योंकि वो सिर्फ साइलेंट फैट नहीं रहता है। फैट जब रहता है लिवर में तो उसमें कुछ फैट खराब फैट की तरह काम करने लगता है। खराब फैट मतलब क्या? वो फैट जो कि ऐसे पदार्थ बनाता है, ऐसे हार्मोन्स बनाता है, ऐसे टॉक्सिन्स बनाता है जो हमारे शरीर में बाकी सब चीज़ों को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, वेट को, सब एक लूप है, उसके अंदर फंसते जाते हैं हम लोग। तो हमें क्या इसलिए ध्यान रखना फैटी लिवर का ज़रूरी है कि अगर हम फैटी लिवर को शुरू में ही रोक देंगे तो वो स्थिति नहीं आएगी कि हमारे हमारे लिवर के अंदर वो फैट ऐसी खराब चीज़ें बनाना शुरू कर दे। एक तो ये उसका इफेक्ट हुआ पूरे बॉडी पे,
पर सिर्फ वो नहीं है, वो लिवर को भी डैमेज करता है। फैटी लिवर, अगर फैट लिवर में जमा हो गया तो धीरे धीरे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब वहाँ पे सूजन टाइप की हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, सेल्स सब घुस जाते हैं आस पास। इट इज़ नॉट पैसिव एक्यूमुलेशन, इट एक्साइट्स अ रिएक्शन देयर। उससे क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया लिवर में, तो ठीक है इन्फ्लेमेशन होने दीजिए, इन्फ्लेमेशन से क्या है सर। लेकिन इन्फ्लेमेशन से तकलीफ शुरू हो रही है क्योंकि लिवर का फंक्शन हल्का हल्का गड़बड़ होना शुरू हो गया। अब लिवर जो अपना काम जिसको करना है हमारे डाइजेशन में, हमारे शरीर के इतने सारे मेटाबॉलिज्म में, वो काम हमारा अब इफेक्ट होना शुरू हो गया। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है, हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हुआ स्टेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, माने फैटी लिवर डिजीज़ जो शुरुआत हुई सिर्फ फैट लिवर में जमा हुआ। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस, स्टेटो मीन्स फैट, सो सिर्फ हेपेटाइटिस हुई, राइट। सो फर्स्ट इज सिर्फ फैट का लिवर में जमा होना, सेकेंड इज उसकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन होना, तीसरा होता है उसके बाद अगर फाइब्रोसिस होने लग जाए, अगर लिवर सिकुड़ने लग जाए। जब कहीं भी आपको चोट लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद जब ठीक होता है तो स्कार बन जाता है, स्कार है ना, जैसे निशान पड़ जाता है और स्किन वहाँ की खिंच जाती, टाइट हो जाती है। तो लिवर के अंदर सोचिए पूरा इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उसके बाद सब स्कारिंग होती जा रही है, तो लिवर इज गेटिंग फाइब्रोस्ड एंड फाइब्रोज लिवर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड देन अल्टीमेटली वो लीड करता है, जैसे आप सिरोसिस बीमारी नाम सुनते हैं, सिरोसिस लिवर का वो, और उससे ज़्यादा भी, और कभी कभी लिवर कैंसर, वो छोड़िए लेकिन वो उतना तक जा सकता है। मतलब फैटी लिवर एक इनॉक्वस सी चीज़, खाली लिवर में फैट जमा होना और होते होते कहाँ तक ये जा सकता है, तो क्या हम बहुत डर जाएं, हम क्या करें, और इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। ओवरऑल अगर हम देखें डेटा तो फैटी लिवर किसी भी पॉपुलेशन में आराम से 30-40% एडल्ट्स में होता है, 30-40% बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है। और अगर डायबिटीज़ में जाएँ और इवन इंडियन डेटा देखें तो कम से कम 50-60% पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज हैव फैटी लिवर, सम स्टडीज से इवन मोर, उससे ज़्यादा भी बताए। मतलब अगर हम वही फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ लिवर में फैट इकट्ठा हो रहा है, राइट, उसके आगे जाइए तो करीब 35-40% में कुछ न कुछ हेपेटाइटिस होती है। डायबिटीज़ में हम लोग लिवर पे ध्यान नहीं दिया है रिसर्च ने, डायबिटीज़ की रिसर्च हमेशा फोकस्ड रही है